फाइनली मेकर्स ने यहाँ पर देवरा का ऑफिशियल ट्रेलर को रिलीज कर दिया, जिसका हम लोग इतना दिन से वेट कर रहे थे। और भाई साहब, ट्रेलर को देखने के बाद से काफी ज्यादा अलग एक्सपीरियंस मेरे को मिला है। अब देखो, ट्रेलर का जो लेंथ है ना, वो 2 मिनट 40 सेकंड का लेंथ है, और ट्रेलर के अंदर जो जो कुछ मैंने देखा उसमें बहुत सारा चीज मेरे को नया दिखा कि हाँ, इसके अंदर बहुत सारा प्रॉमिसिंग दिख रहा है। जिस तरीके का हम लोगों ने टीजर को देखा था और इसके एक एक पोस्टर को देखा था, सैफ अली खान के जो कैरेक्टर को देखा था, भाई साहब जूनियर एनटीआर के जो कैरेक्टर को देखा था, वो सारा कुछ इस ट्रेलर के अंदर रिवील किया जाता। और एक अच्छी बात ये रिवील की जाती है कि यहाँ पर जो देवरा है ना, मतलब कि जो जूनियर एनटीआर है ना, भाई उनका डबल पार्ट होने वाला है। मतलब कि मतलब एक्चुअली में जो देवरा होने वाला है ना, वो उनके पिताजी होने वाले हैं, जिनकी एक कहानी समझो योद्धा टाइप की थी, कि भाई वो समुंदर का राजा टाइप का था, कि भाई वो अगर समुंदर में चल जाते तो भाई उनके सामने कोई टिकने वाला नहीं था। अभी क्या होता है कि भाई यहाँ पर 2 साल हो जाता है, गुजर जाता है, देवरा वापस नहीं आता है, और वो कहाँ है, नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन उनका जो बेटा है ना, वो बहुत ही शरीफ सीधा साधा इस ट्रेलर के अंदर दिखाया गया है। और यह जानवी कपूर को भी दिखाया गया है, जो कि उस गांव में रहती है, उस एरिया में रहती है, उसके वजह से थोड़ा सा लव एंगल उस देवरा के बेटे से दिखाया जाएगा। अब सबसे पहले देखो, बात करें विजुअल्स के बारे में, तो भाई सच बताऊं तो पूरा का पूरा मैंने 4K में ट्रेलर को देखा, और कहीं पर भी मेरे को विजुअल्स खराब नहीं दिखे भाई। जितना मतलब इस मूवी के अंदर ना, आई थिंक जो 70% जितने भी मूवी है ना, वो डार्क होने वाली है, और पूरा का पूरा शूटिंग जो है वो समुंदर में दिखाया जाएगा और समुंदर के डाउन में दिखाया जाएगा। वो चीज काफी ज्यादा मेरे को अच्छी लगी। और उसके साथ जो BGM चल रहा है ना भाई, सच बताओ यार, कॉम्बिनेशन एकदम मस्त लेवल का किया गया। अब देखो, कहानी भी एकदम यूनिक है कि भाई एक्चुअली में देवरा जो है ना, वो 200 साल कहाँ पर है, और वो गया था मतलब समुंदर में कुछ करने के लिए, लेकिन वापस नहीं आया। और यहाँ पर जो सैफ अली खान है, एक्चुअली में देवरा को क्यों मारना चाहता, और देवरा को मारने के लिए एक अलग से उसको हथियार क्यों चाहिए, मतलब सोचो देवरा कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो ये सारा जो स्टोरी है ना, वो भाई क्लाइमेक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और यहाँ पर अपने प्रकाश राज की भी कहानी दिखाई गई, जो नरेट भी कर रहे ट्रेलर के अंदर। मतलब भाई प्रकाश राज जो है ना, वो आई थिंक सो देवरा के टाइम के इंसान है, और उनको देवरा की सारी कहानी पता है। अब बात करें यार, सैफ अली खान का जो रोल होने वाला है ना, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक किस्म का रोल होने वाला है, क्योंकि भाई सैफ अली खान एक वाहिद विलन होने वाले इसके अंदर, जो कि भाई देवरा से और हो सकता है कि उसके बेटे से यहाँ पर पूरा का पूरा फाइटिंग सीन दिखाया जाएगा। तो भाई ओवरऑल बोलूँ तो ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। अब वेट करना है कि भाई 27 तारीख को जब ये मूवी आएगी, तो देखना यार कि भाई इसके अंदर क्या बवाल मच, क्योंकि देखो विजुअल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, BGM अच्छी है, स्टोरी अच्छी लग रही है, और भाई जिसमें जूनियर NTR की एक्टिंग हो भाई, तो उस मूवी के बारे में कुछ बोलना ही नहीं है। तो आपका क्या राय भाई, जब ट्रेलर को एक कमेंट में जरूर बताना। चलो आज की वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।